नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोनकर आज आपको अपने चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर पर एकेडमी क्लास टेंथ का पोएम नंबर दूसरा चैप्टर नंबर दो द सॉन्ग ऑफ लाइफ लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने अपने चैनल्स पर आपके लिए कई वीडियोज अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संजय सोनकर सर को सब्सक्राइब कर को सर्च कर उसे देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए आज हम देखते हैं अपना क्लास टेंथ का पोएम नंबर दो द सॉन्ग ऑफ लाइफ। ठीक है, द सॉन्ग ऑफ लाइफ आप देख रहे हैं, द सॉन्ग ऑफ लाइफ जो कि एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सॉन्ग ऑफ लाइफ, सॉन्ग मीन्स होता भैया भजन। ठीक है, सॉन्ग ऑफ लाइफ मीन्स क्या हो गया, जीवन का भजन। ठीक है, वैसे सॉन्ग मीन्स भजन भी हो सकता है, स्रोत भी हो सकता है, धर्म गीत भी हो सकता है, तमाम ऐसे अर्थ इसके लिए आ सकते हैं जिसका यूज हम सॉन्ग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पोयम के माध्यम से हमारे कवि एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो ने हमें जीवन के उन स्रोतों के बारे में बताया है कि जीवन का स्रोत क्या है, जीवन का धर्म गीत क्या है, जीवन क्या है, इसका निर्माण कैसे है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी लक्ष्य क्या है, तमाम ऐसी चीजों के बारे में हमारे कवि ने हमें इस पोयम के बारे में बताया है। तो इस पोयम को पढ़ने के पहले हमें जानना होगा कि हम अपने जीवन के बारे में, जीवन के मूल्यों के बारे में क्या समझते हैं, कि जीवन क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उसका स्रोत क्या है। जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक हम इस पोयम की मर्म को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि द सॉन्ग ऑफ लाइफ में आपके कवि एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो ने क्या कहा है। तो पहला पैसेज है, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ठीक है, कई महात्माओं ने भी ये बात कही है, कई लोगों ने ये बात कहा है, कई लोग इस बात को मानते हैं कि लाइफ इज रियल। रियल मीन्स क्या होता है, वास्तविक। ठीक है, तो लाइफ इज रियल यानी जीवन वास्तविक है। ठीक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स होता है गंभीर। ठीक है, तो जीवन गंभीर है, क्लियर हुआ, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, क्या होता है, कब्र। ठीक है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, गोल मीन्स मंजिल, लक्ष्य, उद्देश्य। ठीक है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसकी मंजिल नहीं है। ठीक है, तो दोनों लाइन का अर्थ समझ में आया, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र इसकी मंजिल नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक समझ आ गया। हमने आपको बताया कि एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो जी ने जीवन के बारे में, जीवन के मर्म के बारे में हमें बताया कि जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या होता है, हम जीवन में हमें कैसा, कैसी धारणा अपनाना चाहिए, कैसा कर्तव्य हमारा होगा जीवन में, हम उसका परिवहन कैसे करेंगे, तमाम बातों को यहाँ कब ने हमें समझाया। तो हम उसी बातों को लेकर कहते हैं लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब इसकी मंजिल नहीं है। आगे कहा गया है दश डाउ आर्ट, कहावत कहा गया ना कि आप मिट्टी से बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे, ये लोगों ने कहावत कहा है, उसी कहावत को आपके कब ने अंग्रेजी के वर्ड्स के माध्यम से आपके सामने रखा है। दस्ट मीन्स क्या होता है, मिट्टी, धूल, मीन्स आप, आर्ट मीन्स बने, यानी मिट्टी से आप बने हुआ, आपका निर्माण किससे हुआ, इस शरीर का निर्माण किससे हुआ, मिट्टी से हुआ। ठीक है, डस्ट डाउ आर्ट, मिट्टी से आप बने हो, टू डस्ट रिटर्न और मिट्टी में ही मिल जाओगे। सबका यही काम है कि जो भी इस सृष्टि में जिसका भी जन्म है, जिसने भी जन्म लिया है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, कब्र में जाना, यानी मौत को प्राप्त करना। और जब आप मौत को प्राप्त करते हो तो आपकी ये शरीर अंततोगत्वा एक बार फिर से उसी मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ उसी बात को कहा गया है, डस्ट डाउ आर्ट, मिट्टी से आप बने हो, टू डस्ट रिटर्न नेस्ट,
और मिट्टी में ही आप मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन, वाज नॉट स्पोकन, क्या नहीं कहा गया है? ऑफ द सोल, सोल में सातवां आत्मी शरीर, क्या इस शरीर के बारे में ऐसा नहीं कहा गया? अर्थात यह शरीर मिट्टी का बनाया और मिट्टी में ही मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब चारों लाइन को हम एक साथ कहते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज ऑनेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और कब्र इसकी मंजिल नहीं है। डस्ट डाउ आर्ट, ठीक है, डस्ट डाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्न नेक्स्ट, मिट्टी से आप बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, क्या इस शरीर के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है? अर्थात यह शरीर मिट्टी का बना और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चारों लाइन समझ में आ गया? चले अगले पैसेज में चलते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनी इन आवर वे, ठीक है। प्राय लोग कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा दुख आता है या बहुत ज्यादा सुख होता है तो लोग कहते हैं भैया हमारी किस्मत में ये लिखा है, ठीक है। तो उसी बात को आपके कब ने यहाँ इंग्लिश वर्ड के थ्रू आपके सामने रखा है, नॉट एंजॉयमेंट, ना आनंद एंड नॉट सारो और ना ही दुख, ठीक है। इज आवर डेस्टिनेड और वे, डेस्टिनेड मीन्स होता भाग में लिखा हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ? तो क्या हमारे भाग्य में केवल दुख प्राप्त करना या सुख प्राप्त करना ही लिखा? अर्थात हमारे भाग्य में दुख प्राप्त करना या सुख प्राप्त करना नहीं लिखा है तो क्या है, ठीक है। बट टू एक्ट, बल्कि कुछ ऐसा करना है, एक्ट मीन्स करना, कार्य होना, दैट कि ईच टुमारो आने वाला प्रत्येक कल, आने वाला नेक्स्ट डे, फाइंड अस हमें पाए फर्दर दैन टूडे आज की अपेक्षा कुछ आगे, ठीक है। तो चारों लाइन को एक बार पीछे देखते हैं, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनी और वे, हमारे भाग में केवल सुख प्राप्त करना है या दुख झेलना नहीं लिखा है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, बल्कि कुछ ऐसा करना है कि आने वाला प्रत्येक कल हमें आज की अपेक्षा कुछ आगे पाए। क्लियर हुआ? अब दोनों पैसेज को एक साथ देखते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और कब्र इसकी मंजिल नहीं है। डस्ट आवर टू डस्ट रिटर्न नेक्स्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, मिट्टी से आप बने हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे, क्या इस शरीर के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है? अर्थात यह शरीर मिट्टी का बना और मिट्टी में ही मिल जाएगा। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनी और वे, हमारे भाग में केवल सुख प्राप्त करना है दुख झेलना नहीं लिखा है। बट टू एक्ट, बल्कि कुछ ऐसा करना है, दैट इज टुमारो कि आने वाला प्रत्येक कल, फाइंड अस हमें पाए फर्दर देन टुडे आज की अपेक्षा कुछ आगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों पैराग्राफ मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हमने आपको पोएम के पहले ही बताया कि ये पोएम जीवन का मर्म बताता है, जीवन का स्रोत बताता है, ठीक है। तो अब आगे के पैसेज को देखते हैं, तो अब आइए आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने दो पैराग्राफ देखा और मुझे लगता है कि आपको वो पैराग्राफ समझ में भी आए होंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम आगे, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ठीक है। लोग कहावत कहते हैं, बराबर हमने सुना है, आपने सुना होगा कि ये संसार जो है क्या है, एक युद्ध स्थल है, युद्ध भूमि है। उसी को हमारे कवि ने, हमारे पोएट ने कविता के माध्यम से आपके सामने रखा। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वर्ड्स संसार के ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विशाल युद्ध स्थल में, ठीक है। इस संसार रूपी विशाल युद्ध स्थल में, विशाल युद्ध के मैदान में, इन द डिवोर्स ऑफ लाइफ, डिवोर्स ऑफ लाइफ मीन्स क्या होता है, सैनिक का जीवन जो होता है, डिवोर्स ऑफ लाइफ, शरणार्थी जीवन जाते हो ना, ठीक है, जो शरणार्थी होते, ठीक। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द डिवोर्स ऑफ, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई थी, ठीक है। तो इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इस संसार रूपी विशाल युद्ध के मैदान में, इन द डिवोर्स ऑफ लाइफ, हमारा जीवन कैसे सैनिकों की अस्थाई छावनी की तरह, पड़ाव की तरह। आप जानते हो अक्सर कभी कोई विवाद होता है, कहीं कोई लड़ाई होती, कोई झगड़ा होता है, तो वहां पीएससी आकर कैंप कर लेती है। लेकिन वो जो कैंप होता है उसका,
वो अस्थाई नहीं होता, अस्थाई होता जब तक वहां युद्ध या जब तक वहां विवाद गतिविधियां जारी है तब तक उसका वहां छावनी बना होता है, और जैसे ही वो गतिविधियां समाप्त होती हैं वो छावनी वहां से उठकर चली जाती है। तो वही कहा गया है इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द डिवोस ऑफ लाइफ, इस संसार रूपी विशाल युद्ध के मैदान में हमारा जीवन सैनिकों की अस्थाई पड़ाव की तरह है। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये जो संसार है ये क्या है, एक विशाल युद्ध का मैदान की तरह है, एक विशाल युद्ध के मैदान की तरह है, और हम एक सैनिक की तरह यहाँ है, और हमारा जीवन जो है वो क्या है, सैनिक की एक छावनी की तरह है। कि कब तक हम यहाँ रहेंगे, जब तक युद्ध चलता रहेगा, जिस दिन युद्ध समाप्त हुआ वो छावनी अर्थात हमारी शरीर रूपी छावनी यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो बी नॉट लाइक डम्ब ड्रैगन कैटल, बी नॉट डम्ब लाइक डम्ब, हमें डम मीन्स गूंगा, हमें मौन नहीं होना चाहिए, मूक नहीं होना चाहिए। बी नॉट लाइक डम ड्रैगन कैटल, हमें जानवरों की तरह मूक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें जानवरों की तरह मूक नहीं होना चाहिए, तो कैसे होना चाहिए, बी अ हीरो इन द स्ट्रिप, हमें बल्कि हमें क्या होना चाहिए, स्ट्रिप मीन्स होता संघर्ष युद्ध, ठीक है, बल्कि हमें इस युद्ध में एक नायक की तरह होना चाहिए। अब चारों लाइन एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द डिवोस ऑफ लाइफ, संसार के इस विशाल युद्ध के मैदान में हमारा जीवन सैनिकों की एक अस्थाई छावनी की तरह, पड़ाव की तरह है। ठीक है, इसलिए बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, हमें जानवरों की तरह मूक होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि तू कैसे होना चाहिए, बी अ हीरो, बल्कि मैं कैसे होना चाहिए, नायक की तरह होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इन द स्ट्रिप, इस संघर्ष में, बल्कि हमें इस संघर्ष में एक नायक की तरह होना चाहिए। अंडरस्टैंड, चलिए एट द लास्ट देखते हैं। अब यहाँ उन्होंने कंक्लूजन दे दिया, हमने आपको बार बार बताया है कि पोएम जो भी होते हैं उनका फर्स्ट एंड लास्ट पैसेज मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट पैसेज इंट्रोडक्शन होता है एंड एट द लास्ट पैसेज उसका कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, उपसंहार होता है। तो आइए देखते हैं, तो कब ने अब हमें सलाह दिया, क्या सलाह दिया, लेट अस देन, तो आओ हम उठे, बी अ उठे एंड डूइंग, और अपने अपने कार्यों में लग जाएं। तो कब ने हमें आगे सलाह देते हुए कहा, भैया आओ तब हम उठे और अपने अपने कार्यों में लग जाएं, अपने जीवन की उद्देश्यों की पूर्ति में लग जाएं, विदे हर्ट फॉर एनी फेट, बिना किसी भाग की आशा किए ही, फेट मीन्स भाग्य। ठीक है, तो आओ हम बिना किसी भाग की आशा किए ही अपने अपने कार्यों में लग जाएं, क्योंकि मानव का एक प्रकृत होता है कि उसे सुख मिले या दुख, वो यही कहता है कि मेरे भाग में यही लिखा है, जबकि ऐसा नहीं है, वह स्वयं अपने भाग के निर्माता होता है। इसलिए कब ने इस बात को कहा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हर्ट फॉर एनी फेट, तो आओ हम बिना किसी भाग की आशा किए ही अपने अपने कार्यों में लग जाएं, स्टिल अचीविंग लगातार प्राप्त करते हुए, स्टिल परसुइंग और उसका अनुसरण करते हुए, निरंतर प्राप्त करते हुए और उसका अनुसरण करते हुए, लर्न टू लेबर, हमें परिश्रम करना चाहिए, एंड टू वेट, ठीक है, वेट मीन्स इंतजार, ठीक, तो हमें फल का इंतजार किए बगैर क्या करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। अब चारों पैसेज को एक साथ फिर से देखते हैं, तो आओ हम उठे और बिना किसी भाग की आशा किए ही अपने अपने कार्यों में लग जाएं, हमेशा प्राप्त करते हुए और उसका अनुसरण करते हुए, हमें फल का इंतजार किए बगैर परिश्रम करते रहना चाहिए। क्लियर हुआ, अब पूरे पोएम को हम एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है, पूरे पोएम को हम एक बार फिर से देखते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और कब्र इसकी मंजिल नहीं है। ठीक है, डस्ट आउट एंड डस्ट टू रिटर्न, ठीक है, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, मिट्टी से आप बने और मिट्टी में ही मिल जाओगे, क्या इस आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिनी और बे, हमारे जीवन में, हमारे भाग में केवल दुख प्राप्त करना या सुख प्राप्त करना नहीं लिखा है, बट टू एक्ट, बल्कि कुछ ऐसा करना है दैट ईच टुमारो, कि आने वाला प्रत्येक कल फाइंड अस, हमें पाए फर्दर दैन टुडे, आज की अपेक्षा आगे। ठीक है, अब आगे यहाँ है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द डिवोस ऑफ लाइफ, संसार के इस विशाल युद्ध के मैदान में हमारा जीवन
सैनिकों के एक अस्थायी पड़ाव की तरह है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइविंग कैटल, हमें जानवरों की तरह मूक होकर नहीं रहना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्रीट, बल्कि हमें इस संघर्ष में नायक की तरह होना चाहिए। तो आगे लास्ट पैसेज में उन्होंने कहा, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, तो आओ बिना किसी भाग की आशा किए ही अपने अपने कार्यों में लग जाएं। स्टिल अचीविंग एंड स्टिल परसुइंग, हमेशा प्राप्त करते हुए और उसका अनुसरण करते हुए लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें फल का इंतजार किए बगैर परिश्रम करते रहना चाहिए। तो हमने ये पोएम देखा और पोएम का मर्म हमने समझा कि जो हमारे पोएम का टाइटल था द सॉन्ग ऑफ लाइफ, यानी जीवन का स्रोत, जीवन के स्रोत क्या होते हैं, जीवन का धर्म गीत क्या होता है, जीवन का भजन क्या होता है, उसके मर्म को हमने समझा। अब आइए और अब हम देखते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया क्या होती है। तो आइए अब हम इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। अगर आपको इसे नोट करना है अपनी कॉपी पे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। हमने सेंट्रल आइडिया नोट किया है, द पोएट एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो इंपोर्ट्स द हाई मॉरल इन दिस पोएम। ही सेज दैट लाइफ इज रियलिटी एंड शुड बी टेकन क्वाइट सीरियसली, लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज एंड इट्स लाइक अ बैटल फील्ड, ठीक है। We should face it bravely, ठीक। To achieve our goal in life, we should be patient and hard working, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आइए अब इसका अर्थ भी समझते हैं और देखते हैं कि इसका भाव क्या है, इसका हिंदी में अर्थ क्या बनेगा। तो हमने पहले लिखा द पोएट एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो, ये तो आपके कवि हैं, इम्पोर्ट्स अ हाई मॉरल इन दिस पोएम, यानी एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो जी इस कविता में उच्च मानवीय गुणों को व्यक्त करते हैं, नैतिक गुणों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ही सेज, वह कहते हैं दैट लाइफ इज रियलिटी, कि जीवन क्या है, वास्तविक है, ठीक है, एंड शुड बी टेकन क्वाइट सीरियसली, और इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, एंड डिफिकल्टीज, जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ है, ठीक है, एंड इट्स लाइक अ बैटल फील्ड, और ये क्या है, एक युद्ध के मैदान की तरह है। वी शुड फेस इट, वी शुड फेस इट, हमें इसे क्या करना चाहिए, हमें इसका सामना करना चाहिए, कैसे, ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक, ठीक है, हमें इसका सामना बहादुरी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। टू अचीव आवर गोल, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन लाइफ, अपने जीवन में अपने उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए वी शुड बी पेशेंस, हमें धैर्य रखना चाहिए, ठीक है, एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इस आधार पर इस तरह हमने इस कविता को समझा, ठीक है। अगर आपको ये कविता पसंद आती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और हम इससे भी बेटर वीडियोज आपके लिए आगे बनाते रहेंगे, और अगर यहाँ कोई कमी भी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित करिएगा, हम उस कमी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।